वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे ई मुद्रा लिमिटेड के बारे में। 330 रुपए पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 1.61% के आसपास इसमें उछाल देखने मिला है। और खासकर अगर आप देखते हैं 1 बजे के बाद जब यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम लगाया, खासकर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, मतलब पिछले दिन की जो पिछले ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग थी वहां के आसपास जब स्टॉक आया, तो वहीं के लेवल पे सपोर्ट लेकर के स्टॉक फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर हैं जो कि प्रेजेंट हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और इसी वजह से स्टॉक जो है आज के दिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना अप है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से ऑलमोस्ट इसी वजह से ये स्टॉक 1.52% अप चला गया था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मतलब फ्लैट हो गया था, ना प्लस ना माइनस, उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में बायर्स प्रेजेंट है और बाइंग कर रहे हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको कंपनी का फंडामेंटल पता चलेगा और अभी क्या करना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी इस स्टॉक में होनी चाहिए, आपको पता चलेगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। और इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कितना चल रहा है, 31.30, और इस स्टॉक का कितना चल रहा है, 62.6, यानी कि ये स्टॉक जो है अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से दुगना महंगा है। और इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक है, काफी कह सकते हैं अच्छा है। और डेप्थ की बात करें तो पहले 21 करोड़ का डेप्थ था, बट अभी 67 करोड़ का डेप्थ है, मतलब कंपनी पर डेप्थ बढ़ चुका है। 260 करोड़ का यहाँ पे कंपनी पर रिजर्व है, 260 करोड़ का एसेट है, 117 करोड़ का रिजर्व है। प्रमोटर की होल्डिंग 61% है, काफी अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोटर के पास स्टेक है। और बुक वैल्यू की तुलना में देखेंगे इसको, अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 गुने से भी ज्यादा टाइम्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। 400 रुपए का हाई है इसका और 236 का लो है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.38% डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 5 रुपए की है, प्लेज्ड परसेंटेज 0%, और सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपनी की 38.8% बढ़ेगी पिछले साल के मुकाबले। बाकी अगर आप कंपनी का बिजनेस देखेंगे, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ उनका बिजनेस क्या है, बट आपको फिर से ओवरव्यू दे देते हैं कि ये कंपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे काम करती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, DSC, और अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इन्होंने मतलब इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो मतलब ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी खासी है। बस इसका दिक्कत क्या है कि इसका वैल्यूएशन जो है वो हाई है। बाकी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखेंगे तो 39 करोड़ की सेल्स पहले थी मार्च 2021 में, बट अभी देखें तो 52 करोड़ की है। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखिए सेल्स बढ़ी है, यहाँ पे 39, 43, 45, 45, 52, तो कह सकते हैं परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो 14 करोड़ हो गया, फिर 18, फिर 18, फिर 21, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 14, तो हर चीज आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो परफॉर्मेंस क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है और साल दर साल भी अच्छा है। 102 करोड़ की सेल 2019 में, 2020 में 116, 132, 183, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी आई है। और प्रॉफिट देखिए 17 करोड़ था पहले, फिर 18, फिर 25, फिर 41, काफी अच्छा प्रॉफिट आया है। इसी वजह से जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा राहत दे रहा है, क्योंकि ईपीएस यहाँ पे बढ़ा है, पहले देखेंगे 2.49 था और अभी देखेंगे 5.90 है। अगर ये स्टॉक का जो मतलब अगर ये कंपनी का जो सेल्स है वो अच्छा ना आए, प्रॉफिट अच्छा ना आए, तो ये जो पी रेशियो आपको 60 के आसपास देखने मिल रहा है, ये 60 से और भी ज्यादा बढ़ करके 200 तक जा सकता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे। बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसी वजह से पी रेशियो इसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि संभला हुआ है, लेकिन तब भी पी रेशियो इसका ज्यादा है। बाकी कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो -1 करोड़ से 6 करोड़ प्लस में हो चुका है, काफी अच्छी बात है। बाकी देखते हैं प्रमोटर की स्टेक यहाँ पे कितनी है, तो प्रमोटर की स्टेक 61.03% है, 4.31% स्टेक FI की है, 10.66% है DI की, और 23.98, जिसे आप कह सकते हैं 24% के आसपास उतनी स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। तो और कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, यहाँ पे बस आपको फोकस करना है पी रेशियो पे। बाकी इसका सर्किट फिल्टर देखेंगे तो 20% का है, और स्टॉक में पहले से ही अगर आप देखें तो मोमेंटम आ चुका है। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं चार्ट पे, देखिए यहाँ पे स्टॉक था ट्रेड कर रहा था 256 के आसपास। मैंने आपको बताया था कि जब ये लाइन ब्रेक होगी तो स्टॉक मोमेंटम देगा, ये आपके सामने है। देखिए यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई थी, वो लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी वो अभी भी है, ये लाइन मैंने यहाँ पे अभी नहीं इंसर्ट किया है। आप मेरी वीडियो पहले जाके देखिए, ई मुद्रा की जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर मैंने यही लाइन ड्रॉ की थी और यही लेवल बताया था कि जब ये लेवल ब्रेक होता है, ये एग्जैक्टली मैंने बताया था, ये एक लेवल ये रिस्की लोगों के लिए था और सेफ लोगों के लिए ये लेवल था। तो यहाँ पे अगर ये लेवल पे लोगों ने एंट्री ली होगी तो मजा आ गया होगा, यहाँ तक स्टॉक गया है, काफी अच्छा मोमेंटम मिला है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा पैसा बना होगा। लेकिन अब क्या करना है ये हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। देखिए दो चीजें यहाँ पे आप समझिए, यहां से अगर ये स्टॉक ये ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट लेवल बता देता हूँ आपको, अगर 320 के आसपास ये स्टॉक जाता है और 320 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, या फिर 320 के आसपास क्लोजिंग दे देता है,
डे के एंड में, तो समझ जाइए स्टॉक वहां से बेरिश साइन दे रहा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो 320 के लेवल पे फोकस करिएगा। अब बात करते हैं अगर ये स्टॉक जो है 340 ब्रेक करता है, 340 341 जाता है, 341 मान लीजिए या फिर 342 मान लीजिए, अगर ये स्टॉक 341 जाता है या फिर 42 जाता है तो स्टॉक में आपको तेजी देखने मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। और इसका जो लेवल होगा वो होगा 363, मतलब 363 के आसपास ये स्टॉक चला जाएगा। तो जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कहीं कर सकते हैं और एक ट्रिगर लगा सकते हैं, जो जैसे ही 363 पे स्टॉक आएगा आपको पता चल जाएगा, और जैसे ही 320 पे स्टॉक आएगा आपको पता चल जाएगा, जैसे 341 के आसपास आएगा स्टॉक आपको पता चल जाएगा स्टॉक के बारे में। तो आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें ट्रेड करने का अभी मत सोचिए, देखिए यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रही, यहाँ पे ज्यादा बाइंग का मौका है, बट अगर हाँ बाइंग होती भी है तो 341 का ब्रेक होने के बाद ही क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ पे बाइंग मोमेंटम है और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक 363 तक जाएगा, उसके बाद फिर से ये नीचे आ सकता है लोअर लो लगा करके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इसमें ज्यादा चांसेस अभी का देखने को मिलेंगे नीचे आने की, ज्यादा चांसेस याद रखिए, ज्यादा चांसेस 70% चांसेस नीचे आने की है, बाकी बची हुई चांसेस 30% जो है वो ऊपर जाने की है। और याद रखिए 30% जो चांसेस है वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी अगर ये स्टॉक यहीं पे ऊपर आकर के सस्टेन करने लगा तो, अगर सस्टेन करने लगा तो ये 30% की चांसेस जो है वो हमें बढ़ते बढ़ते 70% पे देखने को मिल जाएगी, और ये जो ऊपर बढ़ने की चांसेस है वो हमें घट करके 30% देखने को मिल जाएगी। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेवल्स, और ये जो मैंने आपको कहानी बताई कि यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाता है और सस्टेन कर जाता है मतलब कुछ दिनों तक उसी लेवल पे सर्वाइव कर जाता है, तो समझ जाइए वहां से ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। तो लेकिन अभी करंट सिनेरियो देखें तो ये बेयरिश साइन यहाँ पे दे रहा है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।